नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सन ऑफ द सॉइल और वर्ल्ड रिनाउंड जो है आर्टिस्ट हैं हमारे साथ सुमन गुप्ता जी। इन्होंने आज यहाँ जम्मू में एक एग्जीबिशन लगाई है जिसमें अपनी जो इनका आर्ट है उसको डिस्प्ले किया गया है। आइए जानते हैं किस प्रकार से इनका जो काम है यहाँ पर उसमें क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या लोगों के लिए रखा हुआ है। सर, आपका स्वागत है NH1 में। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, किस प्रकार की एग्जीबिशन है, किस प्रकार का आर्ट आप दिखा रहे हैं? इस जो एग्जीबिशन का टाइटल है वो सेक्रेट विजन है, वो इस एग्जीबिशन का जो टाइटल दिया गया है। और उसमें आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट्स मेरे हैं वो नेचर के रिलेटेड है, जिसमें एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन फिगर, लैंडस्केप्स को लेके काम किए गए हैं। और जो टेक्निक इस्तेमाल की गई है उसमें एक्रेलिक में काम है, एक टेम्परा में काम है, ड्राई ब्रश वाटर कलर में काम है और कुछ पेंसिल वर्क्स हैं। इनफैक्ट ये मेरे पिछले 3 साल का जो सिलेक्टेड काम है, जो सिलेक्टेड बेस्ट वर्क्स में मेरे 3 साल में, वो यहाँ एग्जिबिट किए गए। और जो इस एग्जिबिशन का टाइटल था उसको हमने सेक्रेट विजन रखा, क्योंकि मेरे लिए हर चीज़ वो सेक्रेट है जहाँ हम एक दूसरे के प्रति इज्जत, मान और पीस को लेके चलते हैं, चाहे वो इंसान की रिस्पेक्ट टुवर्ड्स नेचर हो, टुवर्ड्स एनिमल्स हो। मैं चाहता हूँ कि हम सभी का जो को एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में बहुत ही ज़रूरी था, और आज के वक्त में उसका और भी वैसे रहना ज़रूरी हो गया है, एक इकट्ठे रहना। तो वही इन पेंटिंग्स में आप देख सकते हैं, ये सभी एलिमेंट्स को लेके मैंने इन पेंटिंग्स को तैयार किया है। सर, जिस प्रकार से हमने पेंटिंग्स को देखा, काफ़ी बारीक काम है और बहुत क्लियरली जो आप उसमें दिखाना चाहते हैं, और मैक्सिमम आपका फोकस जैसे आपने बात की कि नेचर की तरफ और रिमोट एरियाज़ का जिस प्रकार से आपने डिस्प्ले किया उसमें, आपको लगता है ये टाइम की ज़रूरत है? और जिस प्रकार से काम किया इसमें आपने दिखाना चाह रहे हैं उसमें आपका थोड़ा सा क्लियर करें कि उसमें क्या वो ऐसा है कि जब से मैंने पेंटिंग करना शुरू किया है तब से मैं अपनी सराउंडिंग्स को लेके काम करता हूँ, और उसमें भी सिलेक्टेड कुछ ये पहाड़ी इलाके जो मेरे नज़दीक पड़ते हैं, जहाँ मेरा आना जाना लगा रहता है, जहाँ मैं लोगों के साथ इन टच हूँ, जिन लोगों से मैं पिछले कई सालों से मिलता मिलाता रहा हूँ, उनको लेके मैं काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी अजनबी को लेके मैं काम करता हूँ। उसका एक मकसद होता है कि उस शख्स को मैं जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और उससे मिलने से मुझे बहुत सारी कहानियाँ जो हैं सुनने को मिलती हैं, और उन कहानियों को लेके फिर मैं अपने जो पेंटिंग्स हैं उनको करता हूँ, उनको कंपोज करता हूँ, और उसको उस थॉट प्रोसेस को कोशिश करता हूँ कैनवस के ऊपर उतारने की। सर, अभी रिसेंटली पेरिस में भी एग्जीबिशन आपकी होने वाली है, किस प्रकार से आप देखते हैं हिंदुस्तान का नाम इतने बड़े लेवल पर? पहले भी वैसे आपका तो काफ़ी पूरे वर्ल्ड में ही आपका नाम है, मगर किस प्रकार से आप देखते हैं आने वाली अपनी एग्जीबिशन जो पेरिस में होने वाली है? जो ये एग्जीबिशन जो होने वाली है ये स्पेन में है, पेरिस में नहीं है, स्पेन के एक शहर बार्सिलोना में है, और ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है, जिसको इवेंट का नाम है फिगरेटिवाज 2019। ये जो इवेंट है वर्ल्ड का जो बेस्ट फिगरेटिव आर्ट है उसको लेके होता है, हर 2 साल के बाद होता है स्पेन में, जिसमें वर्ल्ड वाइड वो जो आर्टिस्ट फिगरेशन में काम कर रहे होते हैं उनको इनवाइट करते हैं, और फिर उनके काम को एग्जिबिट किया जाता है। लेकिन वो जो जितने एंट्रीज आती हैं उसको एक बहुत ही टाइट ज्यूरी के नज़रों से गुजरना पड़ता है। वो जो ज्यूरी है वो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड के जो लेजेंड्स हैं उनको लेके वो ज्यूरी बनाई गई होती है, जिनकी नज़रों से वो काम गुजरते हैं।
और तकरीबन 2,500 एंट्रीज़ में से इस साल जो फाइनल किए गए वो तकरीबन 57 आर्टिस्ट वर्ल्ड वाइड से, और उसमें मेरी एंट्री एक ही इंडियन एंट्री थी जो मेरी थी। उस काम का शीर्षक था सॉन्ग ऑफ द रिवर, और उस काम को मैंने एग टेम्परा में पेंट किया हुआ पैनल पे। वो काम वहाँ एग्जिबिट किया जाएगा जिसकी ओपनिंग कमिंग दिसंबर में है। दिसंबर 6 को वहाँ ओपन होगा, अवार्ड सेरेमनी होगी और एक ही इंडियन एंट्री वहाँ हमारी होगी। आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन दैट यूरोपियन एंड अमेरिकन कंटेस्ट। सर, बहुत से लोग जो हैं इस आर्ट के बारे में ज़्यादा उनको नहीं मालूम होता है कि आपने पूरी दुनिया में इतना अपना हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। अभी तक के करियर में सर, अभी तक कितना आप पेंटिंग कर चुके हैं और किस प्रकार से पूरे मतलब डिफरेंट स्टेट्स में और उसके अलावा वर्ल्ड में आपकी अलग अलग एग्जीबिशंस लगी हैं? या मेरी कोशिश रहती है कि जब भी कभी एग्जीबिशन मेरी बाहर हो उसके पहले मैं अपने होम टाउन में लगा के जाऊँ। जैसे आप देख रहे हैं ये जो एग्ज़िबिशन यहाँ लगी है अमर पैलेस में, ये इवेंचुअली 2020 मई में यही शो US में जाएगा। तो ऐसे जो मेरे शोज़ हैं वो ट्रेवल करते हैं इंडिया में, दिल्ली, बॉम्बे और जितनी मेन स्ट्रीम सिटीज़ हैं वहाँ तो एग्ज़िबिट होता रहता है किसी ग्रुप शो की फॉर्म में या किसी सोलो शो की फॉर्म में। और उसके साथ साथ जो मेन स्ट्रीम कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, यूरोप में या अमेरिका में, वहाँ भी मेरे शोज़ चलते रहते हैं। तो सर, जो यंग आर्टिस्ट हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्या स्कोप देखते हैं और जो आपको एज ए लेजेंड देखते हैं, अपना आइडल देखते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है कि किस प्रकार से अगर इस फील्ड में आना है तो उनको किस तरीके की टिप्स आप देना चाहेंगे? उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये एक आर्ट वर्ल्ड में आने के लिए एक कमिटमेंट और एक पैशन का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना ये कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें आप रातों रात आसमान पे चढ़ जाएंगे, रातों रात आप बहुत अमीर हो जाएंगे, जब बहुत आपका नाम हो जाएगा। ये बहुत एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। आपका जो प्रोसेस जैसे जैसे चलता है, जैसे जैसे वर्ल्ड वाइड जो आर्ट कम्युनिटी आपके काम को देखती है, रिएक्ट करती है, उसी के साथ आपकी ग्रोथ का पता लगता है। तो एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस के लिए आपका पैशन और कमिटमेंट लेवल जो है, जब तक वो हाई नहीं होगा तो आप इस फील्ड में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो लेवल है कमिटमेंट और पैशन का वो उनका मेंटेन रहता है तो बहुत ही एक बढ़िया फील्ड है जिसमें वो ग्रो भी कर सकते हैं, अपना नाम भी क्रिएट कर सकते हैं और मज़ा भी ले सकते हैं। तो हमारे साथ थे सुमन गुप्ता, हमने उनसे मुलाकात करवाई आपकी। इन्होंने 10 दिन के लिए अपनी एग्जीबिशन जम्मू में लगाई है और इन्होंने पूरे जम्मू के लैंडस्केप को दर्शाया है, उसमें किस प्रकार से यहाँ का कल्चर है और किस प्रकार का एटमॉस्फेयर है, किस प्रकार का यहाँ पर जो है नेचर है, ये सारा इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में दर्शाया है। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।